डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स में हम चैप्टर कर रहे हैं फन विद गिव एंड टेक, और इसमें हम करेंगे आज रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आज भी हम यही करेंगे। रिपीटेड एडिशन क्या होता है? जब एक ही नंबर को आपको कई बार ऐड करना होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए 2 + 2 + 2 + 2, आपको 2 एक ही डिजिट है और इसी एक ही डिजिट को आपको कई बार ऐड करना होता है, तब इसमें आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, आपको किसको ऐड करना है, तो इसमें पहले आप ये देखेंगे कि आपको ऐड किसको करना है। बार बार एक ही नंबर को ऐड करना होता है, और किसको, 2 को। आप 2 को ऐड कर रहे हैं, इसमें एक ही नंबर है 2, और इसको आप बार बार ऐड कर रहे हैं। और 2 को कितने टाइम ऐड करना है, यानी कि कितनी बार यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 4। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 को आपको ऐड करना है कितनी बार, 4 times। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8। अब आप अगर इसको आप ऐड करके देखेंगे ना, तो भी आपका 8 ही आंसर आएगा। तो ये होता है रिपीटेड एडिशन। अब इसमें आप करेंगे ये, आपको इसको सीधा सीधा ऐड बिल्कुल नहीं करना है कि आपने 15 + 15 कर दिया, बिल्कुल आप ऐसा नहीं करेंगे। आप पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, आपको किसको ऐड करना है इसमें, फर्स्ट में 15 को ऐड करना है, और कितने टाइम ऐड करना है, 15 कितनी बार है, 2 times, तो मल्टीप्लाई 2। फिर उसके बाद आप लिखेंगे 15 × 30। इस तरीके से आपको ये पूरा सॉल्व करके लिखना है। ओके, गुड लक।